तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेशियो वाला। पहले तो हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 5/2 और ये आ जाएगा 5/3, इधर से आ गया हमारा 5/4 और ये हमारा आ गया 7/2। अब हमने रेशियो एक तरह का क्या होता है वो इसके नीचे ही लिखा होता है। रेशियो एक तरह का वही होता है जैसे हम डिवाइड करते हैं, करते नहीं है लेकिन एक वही होता है, ठीक है। अब इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी रेशियो सी निकालना है ना हमने, तो ये तो फ्रैक्शन में है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आ जाएगा 5/2 इंटू 3/5 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7। क्यों? क्योंकि जब हम 5/4 डिवाइडेड बाय 7/2, मैंने बोला रेशो में हमें डिवाइड करना नहीं आता, तो हम क्या कर देते हैं इसको उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई बना के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे भी तो सेम चीज करी है हमने, ठीक है। तो हमारा जो ए रेशो बी आया वो कितना आया, 10:15 और जो हमारा बी रेशो सी आया वो कितना आया, 10:28, ठीक है। तो यही आया हमारा आंसर। तो इधर देखो ये दोनों 10 है, बी भी 10 आ गया, तो बी हमारा यहां से पता चल गया। ए रेशो बी रेशो सी हमने फाइंड करना था, ए हमारा आ गया 15, बी दोनों में 10 आ रहा है, दैट मीन्स बी 10 हो गया, सी हमारे पास 28 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने बेसिकली जो बी कॉमन आ रहा था उनमें, उसमें उसको इक्वल बनाना था हमने। अगर वो इक्वल बन जाता तो हम तीनों को रेशो में लिख सकते थे, अदरवाइज हम रेशो में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने तीन की रेशो का रिलेशन फाइंड करना था। वो तीन का रेशो तभी फाइंड हो पाता अगर बी दोनों में इक्वल आता, तो बी दोनों में इक्वल आ रहा है तो इन तीनों में रिलेशन बन रहा है, वो तीनों में बना रहा है बी के कारण, ठीक है। तो ये वाले आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्व फॉर एक्स, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये आएगा 8 और ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 1 से ही होगा, तो ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 2 8 मीन्स 2 से ये पूरी ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा 14x+6, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9+14 कितना होता है, 23x, और ये 6 5+1/8=16x-3/16, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं 8 1 8 and 8 2 16, क्योंकि ये ऊपर जाना था तो डिवाइड तो होना ही था, इसलिए हमने यहीं पे कर दिया इसको। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, 46x+1 नहीं आएगा, 2 आएगा +2, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना उसने, और इधर आ जाएगा हमारा 16x-3, ठीक है। तो x वाली इधर ले आओ टर्म्स, दूसरी वाली उधर इकट्ठे कर लो, 46x-16x किसके इक्वल आ गया, -3 -2, ये आ गया -5 और इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 30x। तो x किसके इक्वल आ गया, -5/30, जो कि इक्वल आ गया -1/6, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला कह रहा है, कहते हैं कि जो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स दैट मस्ट बी एडेड, हमने स्क्वेयर यहां पे ऐड करने हैं जिससे ए बी जो है वो जो ए बी वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। सिमेट्री मीन्स कि इधर भी उतने नंबर हो, अगर हम दोनों साइड देखें तो दोनों को अगर मिला दे तो एक ही फिगर बने, जो सेम इधर वाली फिगर है वो इधर वाली मिल भी जाए तो दोनों के दोनों एक ही फिगर बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 स्क्वायर है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम 2 स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। एक इधर बन गया और एक उसके साथ बन गया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास अभी, 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर के बाद ये देखो, यहां पे एक स्क्वायर है तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी तो बनेगी, तो एक स्क्वायर ये वाला हो गया, ये वाला स्क्वायर इधर भी बनेगा, ये वाला स्क्वायर इधर बनेगा और ये वाला स्क्वायर इधर बनेगा, तो 3 स्क्वायर और आ गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 और 3 6, तो उससे हमारी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है इसका, 6 सी आंसर आ गया हमारा 29th का, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मींस दोनों साइड में सेम फिगर, सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स आने चाहिए, तो सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने बना दिए। उसके बाद आ रहा है 30th क्वेश्चन, ठीक है। सेम फिगर बननी चाहिए, मींस उसको जैसे हाफ काटा होता है ना वैसे ही लगनी चाहिए वो, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30th. कहता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सिक्स. मल्टीपल ऑफ सिक्स, अब वो कैसे कर सकते हैं हम? अगर मैं लिखूं यहां पे x प्लस सिक्स और x प्लस 12, तो ये मल्टीपल ऑफ सिक्स बनते हैं. हाँ बनते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, मल्टीपल ऑफ सिक्स ही बनते हैं ना ये दोनों, x प्लस सिक्स x प्लस 12, ठीक है, सॉरी x एंड x प्लस सिक्स. अगर ये मल्टीपल ऑफ सिक्स है तो उसमें सिक्स प्लस करूंगा तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ सिक्स ही बनेगा. ये दोनों कंजेकेटिव है, ठीक है. तो कहता जो उनका सम है x प्लस सिक्स का, दो जो मल्टीपल कंजेकेटिव थे उनका सम आ रहा है 114. तो कहता फाइंड करो नंबर क्या क्या है. फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मीन्स सिर्फ x फाइंड करना हमने, क्योंकि ये तो बड़ा आ जाएगा उससे. तो ये आ गया 2x प्लस सिक्स 114. 2x किसके इक्वल आ गया 114 माइनस सिक्स के. 2x किसके इक्वल आ गया 108 के. तो x किसके इक्वल आ गया 54. दैट मीन्स जो छोटा वाला नंबर है वो 54 है, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट है. अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये मैंने नंबर्स कैसे लिए. अगर मैं मान लेता हूं लेट x क्या है, मल्टीपल ऑफ सिक्स है, x मैंने मान लिया मल्टीपल ऑफ सिक्स है, वो चाहे सिक्स हो, 12 हो, 18 हो, कुछ भी हो सकता है, सिक्स मल्टीपल ऑफ सिक्स है. लेकिन अगर उसमें मैं प्लस सिक्स कर दूंगा तो वो मल्टीपल ऑफ सिक्स ही रहेगा ना. अगर मान लेते हो x 12 होता, उसमें मैं प्लस सिक्स करूंगा तो वो 18 ही बनेगा, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ सिक्स ही है. तो अगर वो तीन देता तो मैं x प्लस सिक्स x प्लस 12 लेता, अगर वो चार देता तो मैं x प्लस सिक्स x प्लस 12 x प्लस 18 लेता. ऐसे करके आगे आगे नंबर चलते रहते, तो उनको कंजेकेटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है. यानी कि एक के बाद दूसरा आए, जैसे ये 54 है, x है, प्लस सिक्स कितना हो गया 60 प्लस 54 114, ठीक है, समझ आ गई. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31st पे. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st. कहता है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट. तो मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पहले तो बता देता हूं आपको. सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपने अमाउंट दी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है हर साल. जैसे अगर आपने 100 रुपीज दिए हैं मान लो 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से आपको 10 रुपये हर साल इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं अगर, तो ठीक है. तो हर साल आपको 10 रुपये, वो 5 साल बाद आपको कितने पैसे वापस करेगा, 150 रुपीज. लेकिन अगर यही आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है. मान लो आपने दिए हैं 100 रुपये 2 साल के लिए, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको 20 रुपये वापिस आने थे एक्स्ट्रा, 120 रुपीज वो वापिस करेगा. लेकिन अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से आपको वो 20 रुपीज मीन्स 120 वापिस करेगा 2 साल बाद. लेकिन अगर आप 100 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे देते हो तो वो आपको 121 रुपीज वापिस करेगा. कैसे, 10 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको 11 रुपये वापिस करेगा. ना कि मतलब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 10 रुपीज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, 11 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा. तो 11 रुपये प्लस 21 रुपीज, तो आपको टोटल 121 रुपीज मिलेगा. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंपाउंड और सिंपल में. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का है तो इससे हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा. अगर इस साल मेरे को 2001 में 10 मिल रहा है तो 2002 में भी मेरे को 10 रुपये ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. तो दैट मीन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. तो कहता है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स. कितने में डबल करती है अपने आप को, 5 ईयर्स 6 मंथ्स में. हम मनी मान लेते हैं 100 रुपीज, ठीक है, तो 5 साल बाद, 5 साल और 6 महीने बाद वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपये. कहता वो अपने आपको ट्रिपल कितने देर में कर लेगी, मीन्स अपने आपको 300 कितनी देर में बना लेगी. अगर एक साल में उसमें 100 रुपये एड हो रहा है तो दूसरे इतने ही साल, अगर 5 साल 6 मंथ में उस 6 महीनों में उस पे 100 रुपये एड हो रहा है तो 5 साल और 6 मंथ बाद ही तो उसमें 100 और एड होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे है. तो दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 5 = 10, 6 + 6 = 1 ईयर, 10 + 1 = 11 ईयर्स. तो हमारा 11 ईयर्स आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है. तो
तो अगर आपको बेसिक ये चीज समझ आ जाती है तो आपको कंपाउंड और सिंपल में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32nd क्वेश्चन। कहता फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। तो 1 भी ऑड है, 3, 5, 7, 9 एंड 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद आ जाएगा 13। तो ये हो गए हमारे 7 नंबर्स, इसका हमने फाइंड करना है मीन। तो इनको प्लस कर दो, 9, 18, 25, 36, 49। तो 49/7, 7 से 7 कट गया और ये आ गया हमारा 7 मीन, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा 33rd क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, कहता है इसके टॉप व्यू का अगर हम टॉप से देखें तो ये कैसा दिखेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉक्स हमें दिखेगा, ये भी टॉप से, ये भी इधर से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मींस हमें ऐसा कुछ दिखेगा। बीच में से ये देखो 1 और 2, ये दो हमें नहीं दिखेंगे, सिर्फ कॉर्नर यहां पे भी दिखेगा, बीच में हमें कुछ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ऐसा कुछ व्यू होगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये तो गलत है। बी ऑप्शन में देखे तो यहाँ पे देखो ये सिंगल है, हमें डबल चाहिए। ये देखो ध्यान से, 1 और 2, ये दो बीच में से खाली हैं, तो यहाँ पे हमें एक और मिसिंग चाहिए था, ये दो भी नहीं होने चाहिए थे, फिर हमारा आंसर सही हो सकता था। अब बाकी के ऑप्शन है हमारे ये रहे, मैंने बोला ये चारों खाली होने चाहिए लेकिन यहाँ पे एक अभी भी है, तो ये चारों खाली हैं, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया हमारा 33rd का डी ऑप्शन, ठीक है। आपने अपने आप को इमेजिन कर लेना है कि अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा ये, पर ध्यान से फिर भी, क्योंकि आपके पास पड़ी नहीं हुई है ये, सिर्फ आपने इमेज देख के बतानी होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 34th क्वेश्चन पे। तुम्हारा 34th क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं उसका, जब हम इस फिगर को रोटेट करेंगे ना जिस भी एंगल पे करते हैं, ठीक है। इसको जैसे अगर हम अराउंड, ये हेक्सागन है ना, तो हेक्सागन 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इसकी एग्जांपल, और क्योंकि ये शेप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको इजी वाली शेप बना के बताता हूं कि पहले तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता क्या है। जैसे ये शेप मान लो, ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है अभी, इसको मैं 90 डिग्री पर रोटेट करता हूं तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये सिमिलर है शेप, नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसको 90 डिग्री से मैं फिर से 180 डिग्री पे लेके जाऊंगा तो ये देन अगेन फिर से यही बन जाएगी, राइट। फिर इसको मैं 270 डिग्री पे लेके जाऊंगा तो ये फिर कुछ ऐसी शेप बन जाएगी ऊपर को, सॉरी, ऐसे करके। फिर जब इसको मैं 360 पे लेके जाऊंगा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, 2। लेकिन जो शेप उसने हमें दी हुई है ना, उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसको जब मैं रोटेट करूंगा 60 डिग्री पे तो ये बिल्कुल सिमिलर जैसी शेप है अभी बन जाएगी, ठीक है। अगर वो 60 डिग्री पे बन रही है, उसके बाद 120 पे भी बनेगी, राइट। 120 के बाद 180, 240, 300 एंड 360। तो कितना आ गया ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना आ गया इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास, 6, ठीक है। तो 6, दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन है वो बी राइट है, ठीक है। तो ऐसे आप ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, उसमें कह रहा है, कहता है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू जेम्स। तो 5 हमारे पास ब्लू हो गए, 8 कहता है रेड है उसमें, देन कह रहा है 2 ग्रीन है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15, राइट। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ जेम इज ड्रॉन एट रैंडम। एक जेम उसने ड्रॉ करा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें ब्लू जेम मिलेगा, हमें ब्लू जेम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। अब टोटल तो ये होगी 15, इनमें से कुछ आएगी। फेवरेबल हमें क्या चाहिए, उसने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला? ब्लू की। तो ब्लू की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आउटकम हो सकती है? 5। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी कि ब्लू बॉल ड्रोन होगी वो क्या आएगी? 5 × 1, 5 × 3 = 15। तो 1/3 जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसके साथ आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी बोला। अगर 2 भी बोल देता तो हम उसको प्लस करके कर देते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 कहता है, इन शिमला मिनिमम टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे वॉज, ट्यूजडे को शिमला में जो टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेनसडे इट फेल बाय, जब वेनसडे आया जब तक, तो फेल बाय 3 डिग्री, दैट मीन्स 22 डिग्री बचा। ड्यू टू रेनफॉल ऑन थर्सडे, इट फर्दर फेल बाय 4 डिग्री। अच्छा, थर्सडे को फिर से बारिश हुई और वो और गिर गया टेम्परेचर, कितना बचा अब? 4 डिग्री और कम हो गया, दैट मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस। कहता व्हाट वॉज द मिनिमम टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे को मिनिमम टेम्परेचर क्या था? वो हमने निकाल लिया वो 18 डिग्री, तो हमारा क्या आ गया? बी आंसर आ गया 36 का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो मिस्टर शर्मा है वो 64,000 पर मंथ अर्न करते हैं, जिसमें से वो 2/5 जो है उसके अपने सन को देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचता है, जो बचता मीन्स 64,000 में से जो वो उसको दे रहे हैं, उसमें से अगर हम उसका हिस्सा माइनस कर दे तो यही बचेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे सिंपल कर लो। ठीक है, 2/5 वो उसको दे रहा है, तो हम निकाल लेते हैं वो कितने पैसे उसको दे रहा है। 1 2 8 0 0, तो ये आ जाएगा 0 0 6 1 4 5 2। ठीक है, 25,000 वो अपने बेटे को दे रहा है, उसमें से उसके पास कितने बचे बाद में? 38,400। तो उसमें से वो 5/8 है वो अपनी डॉटर को दे रहा है, 8 × 4 = 32। तो ये आ जाएगा 0 0 24,000 जो है वो अपनी डॉटर को दे रहा है, तो उसके पास बचे कितने? इतने 14,400। वो कहता अपनी वाइफ को दे रहा है, तो वो कहता वाइफ के पास कितने पैसे आ रहे हैं? तो वो तो हमने निकाल लिए, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये मैं जो तरीके से करवाने लगा था, तो हमारा एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अगर हमने फटाफट से फास्टली करना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? 64,000 माइनस 64,000 इनटू 2/5 दिया था उसने अपने बेटे को। ठीक है, इसका जो बचेगा उसका माइनस जो भी इसको बचा के आएगा, मान लो x आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगी आपको यहां से फाइंड हो जाएगी, वो आपने x की जगह डालनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 5/8 से। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा हमारे पास, इसके बाद में हमने इसको ऐसे रहने देना है, इसमें से माइनस करके जो आएगा वो उसकी वाइफ के पास जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी, बस नथिंग एल्स। बाकी क्वेश्चन ऐसे हो गए, ये देखो, जैसे मैं इसमें से 64,000 निकाल रहा हूं तो 1 − 2/5 बच रहा है, दैट मीन्स 3/5 उसके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 8 0 0। ठीक है, तो ये आ गया 3
तो 38400 जो वो अपने बेटे को दे रहा था, सॉरी जो उसके पास बच रहे थे, तो हमें बेटे की सेल पैसे चाहिए नहीं, तो हम निकालें क्यों उसको, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये वाली चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये चीज करी है और कुछ नहीं करा मैंने एक्स्ट्रा इसमें, तो जस्ट उसको कि जो हमें चीज नहीं चाहिए हमने वो नहीं, तो उस चीज से बचने के लिए मैंने ये चीज करी है। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आपका सही आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 7th आर एज फॉलोस, ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे करके ग्रेड्स दिए हुए हैं, ठीक है, 38th क्वेश्चन में। तो हम ए प्लस वाले गिन लेते हैं, ए वाले, बी प्लस एंड बी वाले, बस यही चार दिए हैं इसको, इसके हम टोटल बना लेते हैं कितने हैं। ए प्लस वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये है टोटल 9। ओके एंड अच्छा आप अगर ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ओके तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, तो उसने बोला इफ अ स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, इफ अ स्टूडेंट हैज सिलेक्टेड एट रेंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही हैज ऑब्टेन्ड ग्रेड ए प्लस। कहता प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ग्रेड ए प्लस वाला सिलेक्ट हो, तो हमने तो ए प्लस वाले काउंट कर लिए, बाकी काउंट करने की जरूरत क्या, हमें टोटल तो ऑलरेडी दिया है, तो हमारा फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी का यही होता है ना, टोटल आउटकम ओवर फेवरेबल आउटकम, तो हमारी फेवरेबल तो हम काउंट कर चुके हैं, टोटल हमारे पास ऑलरेडी थी, तो 9/30 ये आ गया, तो 9/30 आ गया, ये 3 आ गया, ये 10 आ गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/10, ठीक है। बाकी आगे जाके कुछ आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 39th क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39th में, कहता मानवी सेज, मानवी कह रही है शी गॉट 16 मोर मार्क्स प्लस 16 देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आशी, तो आशी का हमें पता नहीं, हमने एक्स ले लिया, तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ आशी या आशी व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स मार्क्स स्कोर्ड बाय आशी, तो हमें x की बेसिकली वैल्यू, जो x के साथ इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या बनानी है हमें, इक्वेशन तो बनी गई यहां से, फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय आशी इफ मानवी स्कोर्ड 72, तो दिस इज द इक्वेशन, या दिस इज द इक्वेशन, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी राइट, ठीक है। तो यही तो इक्वेशन है, इससे तो हम मानवी के जो आशी के स्कोर है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे एंड देन जो भी करना होगा उससे स्कोर आ जाएगा उसका, तो यही तो इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। आपको मैंने बहुत बार बताया ये चीज, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे जैसे वो बोलता जाता वैसे वैसे करते जाओ। उसने बोला 16 मोर देन, मैंने प्लस 16 लिख दिया, उसके बोला 4 टाइम्स देन आशी स्कोर, आशी का मैंने स्कोर एक्स लिया और उसका स्कोर 4x लिख दिया, तो ये मानवी का स्कोर आया हमारे पास, तो मानवी का स्कोर कितना था 72, तो इससे हम आशी का स्कोर फाइंड कर सकते हैं, यही तो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या लैंड है व्हाटएवर, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में बांट कर बेचना है, एरिया उसका पूरे लैंड का दिया हुआ है 2^17, और जो पीसीज है उसका एरिया उसने बोला 16^2 होना चाहिए, तो हम इन दोनों की पार सिमिलर करेंगे। कहता कितने पीसीज वो बनेंगे ऐसे वाले, तो उसके लिए पहले तो इसको 2^ में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम एरिया ओवर पीसीज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 2^16 कितना होता है, 2^2, 4, 4^8, 8^16, दैट मीन्स 4, और 2 पावर इसकी ऑलरेडी थी, तो उसके ऊपर 2 भी पावर आएगी, और पावर के ऊपर जब पावर आती है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, पावर के ऊपर पावर आती है तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2^8। अब एरिया ओवर अगर हम पीसीस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्लॉट्स, हम कितने पीसेज में उसको बांट रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा, तो 2^17 एंड नीचे आ जाएगा हमारा 2^8। अब इसमें से बेसिस सेम है,
तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 2^9। तो 2^9 ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंपेयरिंग क्वालिटीज, वो हमने मैंने करवाया हुआ है आपको पूरा अच्छे से चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। तो अब हम चलते हैं 40th क्वेश्चन पे, सॉरी 41st। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सुषमा सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12%। लॉस उसको कितना हुआ 12% का। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 50 मोर, अगर कहती 50.80 रुपीज का ज्यादा का बेचती अगर वो, तो उसको फिर प्रॉफिट कितना होना था 8% का। अगर वो इतने पैसे ज्यादा का बेचती, जितने का उसने बेचा उससे इतना ज्यादा बेचती, दैट मीन्स जो अगर हम एसपी जो लॉस के साथ आ रहा है वो जो एसपी टू प्रॉफिट के साथ आ रहा है वो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट के साथ बेचा गया वो 50.80 ज्यादा है सेलिंग प्राइस जो लॉस के साथ बेचा गया था। तो इसी चीज को यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। हमें पता है एसपी वन ओवर सीपी, सीपी तो सेम ही रहेगा दोनों में, ठीक है। किसकी इक्वल होता है 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। एसपी वन मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो लॉस वाला है, दूसरा मैं प्रॉफिट वाला लूंगा। तो एसपी टू ओवर सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ये भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पता नहीं किसमें किस चैप्टर में करवाया, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। तो उसमें सारे फॉर्मूले ये करवाए हुए हैं, अभी भी दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये किसके लॉस परसेंट है 12 है, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 100 क्या आ जाएगा 88 ओवर 100, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 108 ओवर 100, राइट। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमने क्या करना है, एसपी वन किसके इक्वल आ गया हमारे पास 88 ओवर 100 इंटू सीपी, और एसपी टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास 108 ओवर 100 इंटू सीपी। ये हमने वैल्यूज निकाल ली एसपी वन और एसपी टू। एसपी टू ज्यादा है, कितना ज्यादा है एसपी वन से, इतना। तो अगर मैं कर दूं एसपी टू माइनस एसपी वन तो कितना ज्यादा था ये इससे 50.80, दैट्स इट, बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमने बस एसपी टू और एसपी वन की वैल्यूज जान ली है 108 बाय 100 एंड 88 बाय 100 सीपी। तो ये आ गया 5 पॉइंट, इसको अगर हम पॉइंट हटा दे तो यहां पे 10 आ जाएगा। 100 भी आप लगा सकते हो लेकिन वो जीरो से जीरो कट जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, तो हम 10 ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एलसीएम 100 आ गया 108 माइनस 88 20 इंटू सीपी, सीपी तो साथ में ही रहेगा, ठीक है। 508 बाय 10, ये जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से इस जीरो को कट गई क्योंकि ये ऊपर जाना था तो कट नहीं थे इसलिए मैंने यहीं पे काट दिए। ये 2 इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो 2 1 2, ये अगर 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 4 8, तो हमारा सीपी क्या आ गया 254, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, जस्ट उसने घुमाने के लिए आपको कि 50 मोर या समथिंग लाइक दैट डाला है। तो उसके लिए भी हमने सोल्यूशन क्या ढूंढा, हमने पहले एसपी लॉस के साथ निकाला, फिर हमने एसपी उसके साथ निकाला प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और सीपी को हमने पता था हमें सीपी निकालना है, तो हमने सीपी को साइड में, तो इसलिए हमने क्या करा सीपी को साइड में ही रखा, उसके साथ साथ ही रखा क्योंकि हमने सीपी की वैल्यू निकालनी, हमें एसपी चाहिए ही नहीं, तो हम एसपी को इधर की साइड रखेंगे और माइनस करवा के उसकी वैल्यू निकाल देंगे बीच में। तो हमने एसपी वन और एसपी टू की वैल्यू निकाल ली, हमें पता था इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना था, तो हमने बस उसके बाद वैल्यूज डाली एंड सॉल्व कर रहे थे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा है 42nd क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कहता है एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लैंड है 65 मीटर लॉन्ग, तो हमारे पास एल कितना आ गया 65 मीटर और ब्रॉड कितना है बी कितना आ गया हमारे पास 50 मीटर। उसके बाद कहता है उसके अराउंड वो है जो सराउंडेड है एक वाइड पाथ है जो 3 मीटर का है, ऐसे करके अगर हमें पाथ बना ले तो वो जो सराउंडेड है 3 मीटर वाइड, तो अगर हम टोटल का अगर हमने फाइंड करना हो तो ये इसकी अंदर वाले की लेंथ कितनी थी 65, ब्रेड्थ कितनी थी 50, तो ये टोटल कितना आएगा बाहर का 3 इधर से 3 इधर से, तो 50 प्लस 6 56,
उसके बाद थ्री थ्री इधर से भी है, थ्री इधर से भी है, 65 प्लस 6 तो लेंथ आ गई बाहर की 65 प्लस 6 हो गया 71। ठीक है, तो ये तो हमने निकाली लेंथ और ब्रेड्थ बाहर वाले रेक्टेंगल की और अंदर वाले रेक्टेंगल की। अब कहता है वो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 2.5 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मींस एरिया फाइंड करना है, तो हम पहले बाहर वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करवा देंगे अंदर वाली रेक्टेंगल का एरिया, उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाले पाथ का एरिया आ जाएगा और उसको हम 2.50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते कुछ नहीं है, आउटर एरिया मतलब टोटल एरिया जिसको आप लिख सकते हो, तो वो था 71 into 56। इनर एरिया जो अंदर वाली रेक्टेंगल का एरिया है वो है 65 into 50। राइट, तो इनको सॉल्व करो, ये आएगा 71 into 56 है, तो ये आ गया 3976 मीटर स्क्वायर, और ये वाला हमारा जाएगा 0.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करवाना है हमने, तो 3976 माइनस 3256, तो ये हमारा 3250, ये हमारा आ जाएगा 627। तो 726 जो है वो बाहर का ग्रेवलिंग जहां पे हमने करनी है उसका एरिया है, तो इसको 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि हमें कितना पैसा लगाना है उसके ऊपर। 0 से 0 कट गई, ये 5 2s are 5 5s are 2 1s are 3 6 3, तो ये हमारा आ जाएगा 1815 रुपीज हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इजी है, हमने बाहर का एरिया फाइंड करा, अंदर का एरिया फाइंड करा, उसको माइनस करवाया जिससे हमें पाथ का एरिया फाइंड मिल गया, तो ये पाथ का एरिया था, उसको हमने ग्रेवलिंग करना था और उसको हमने 2.5 रुपीस पर मीटर स्क्वायर पे दिया है, तो एक मीटर का अगर 2.5 है तो 726 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करा एंड सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 43rd क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज इंक्रीज्ड बाय 8% एनुअली, हर साल कितने बच्चे बढ़ रहे हैं 8%। इफ देयर आर 71,280 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इस टाइम पे एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स है, इतने, तो कहता देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर लास्ट ईयर, पिछले साल कितने थे, हम मान लेते लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे एक्स, हर साल कितने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं ना, तो 8x/100, इतने स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं, तो लास्ट ईयर में अगर मैं इनको प्लस कर दूं, जो बड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, इसके इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इतने ही आने थे ना, राइट, तो ये आ जाएगा 100x + 8x/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 108x/100 = 71,280, तो x किसके इक्वल आ गया, 71,280 × 100, तो ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 50 25, ये आ गया 27, 9 3s are 9 7s are 63, 9 9s are 81 एंड 9 2s are 18, 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 4s are 12, तो ये आ गया मेरा 26 × 26 40 × 25, तो ये आ जाएगा 25 0s are 25, 25 4s are 100, 10 कैरी, 25 6s are 150, 150 + 10 = 160, तो 0 यहाँ पे बाकी कैरी, 25 2s are 50, 50 + 16 = 66,000, तो लास्ट ईयर जो हमारी स्टूडेंट्स थे जो स्कूल में वो थे 66,000, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट सम में हमें एजिस की उनकी रेशियो दी हुई है और एजिस का सम दिया हुआ है,
तो एजीज का हमें सम दिया है 56, तो उसकी एज हम मान लेते हैं 6x, साथ में एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं रेशो हटाने के लिए, इसकी मान लेते हैं 1x, ठीक है। तो ये 6x प्लस 1x किसके इक्वल आएगा, 56 के नहीं आएगा, दोनों के एजीज को मैं प्लस कर रहा हूं और इक्वल टू किसके आएगा 56 के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 7x किसके इक्वल आ गया 56, x के इक्वल आ गया 56 बाय 7 8, तो x किसके इक्वल आया मेरा 8, तो इससे मेरे को दोनों की एज पता चल जाएगी, एक की आएगी 48 और दूसरी की आएगी, हमारे पास दोनों की एजेस आ गई। वो कहता है फाइंड करो रेशियो दोनों की कितने इयर्स बाद, 6 इयर्स बाद, तो 6-6 इयर्स ऐड होंगे उनके, ये बन जाएगा 54, ये बन जाएगा 14, और इसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो 54:14 ये आ गया 27 और ये आ गया 27, तो 27:7 जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है इन एन एग्जामिनेशन, ये हमने पहले भी कर चुके हैं ऐसा वाला एक चैप्टर में, आई डोंट नो किस चैप्टर में करा, पर करा हुआ है। इन एन एग्जामिनेशन वन शुड गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। हम मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं एक्स, 36% चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखता है, कहता अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 113 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 85 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 113 मार्क्स मिले लेकिन 85 मार्क्स से वो रह गया पास होने से, तो लेकिन अगर हम करें यहां से 113 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 85, इससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ये मैंने कैसे करा ये देखो, एक्स इंटू 36/100 हमें पता है पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स में से अगर मैं जो उसके मार्क्स आए हैं वो माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास कितने मार्क्स बचेंगे जिनसे वो फेल हुआ है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 100 मार्क्स से टोटल 36 उसको टोटल 36/100 टोटल चाहिए, मीन 36 मार्क्स उसको चाहिए, उसके मार्क्स आए 25, और मैं कहूं, मैं आपको टोटल मार्क्स नहीं बताता हूं, मैं जस्ट कहता हूं कि वो 36% उसको पास होने के लिए चाहिए थे, उसके आए मार्क्स 25 और वो फेल हो गया 11 मार्क्स से, तो आप क्या करोगे, एक्स इंटू 36/100 इज इक्वल टू माइनस 25 इज इक्वल टू 11, यही तो आएगा ना अगर मैं इस हिसाब से लिखता, 36 उसके आए टोटल, 36 चाहिए पासिंग, 25 अगर मैं उसमें से माइनस करूं तो 11 ही तो बचेगा, तो यही तो मैंने चीज करी उस ऊपर भी, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो ये आ गया हमारा 36/100 एक्स माइनस 113 इज इक्वल टू 85, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स 36/100 एक्स इज इक्वल टू 85 प्लस 113, तो ये आ जाएगा 891, ओके। तो x इधर ही रहेगा इंटू 100 ओवर 36, तो वो ये आ जाएगा 13, तो x किसके इक्वल आ गया 300 के। नहीं 3 नहीं आएगा, ये आएगा 36, वेट इसको हम पहले 36 को 2 पे करते हैं, 18 या जाएगा 50, 18 1 18 18 1 1, तो ये आएगा 55, तो जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। ये डिवाइड में गलती हुई है थोड़ी सी, 36 11 आर, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 और 198 डिवाइड नहीं होते थे इसलिए हमारे से गलती हुई है, ठीक है, वो ठीक कर लेना आप, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन है 46, कहता है स्टेट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ओके। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, राइट। कहता एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, कहता हर कोई नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फानाइट, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, हाँ है, इसमें क्या है, 2/1 3/1 4/1
फाइव बाय वन सबके नीचे मैं वन वन लगा दूं तो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं और रैशनल नंबर्स ही बन गए। नेचुरल नंबर को मैंने रैशनल नंबर बना दिया, हर एक के नीचे वन तो होता ही है, तो ये तो हो गया ट्रू। इस हिसाब से हमारा बी सी डी ऑप्शन बन रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है किसी चैप्टर में, मे बी फ्रैक्शन एंड ये लास्ट चैप्टर ही, जो सेकंड लास्ट वीडियो डाली है मैंने उसमें। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन बट एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। हर कोई फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है, पर हर कोई जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि पाए जो है वो भी रैशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और ये होता है 3.14 भी, ठीक है। तो ऐसे करके काफी सारी एग्जांपल है, उसके लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो हम डीप नहीं जाते हैं अभी के लिए। बस एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन बट एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, तो ये तो हो गया फॉल्स। इससे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम आगे वाले भी ऑप्शंस करते हैं, ठीक है, समझने के लिए। कहता है जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर मैं जीरो को ऐसे लिख दूं, जीरो के नीचे मैं कुछ भी लगाता जाऊं, तो जीरो रैशनल नंबर नहीं है, है रैशनल नंबर, दैट मीन्स ये भी फॉल्स है। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज वन बाय जीरो, ये तो फॉल्स है, ये तो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वन बाय जीरो आप कैलकुलेटर पर फिर से चेक करोगे एरर ही आएगा, ठीक है, हर बार ही एरर देगा, ये नहीं कि इस बार वो कुछ और आंसर दे देगा, हर बार एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो गलत ही है, ही है, तो हमारा ये आंसर है इस हिसाब से, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन को पढ़ना, क्योंकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको हर एक ऑप्शन करवा देता हूं ज्यादातर। अब चलते हैं हम 47th पे। 7th क्वेश्चन है, पी दिया हुआ पहले, कहता 2700 इंटू एक्स की पावर 8 इज इक्वल एक्स की पावर 6 इंटू 27 इज इक्वल टू 27 इंटू 10^8। तो ये 27 और ये कट जाएगा 100 पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 होता है ना 100, ये उधर जाके क्या होएगा डिवाइड, राइट। तो यहां पे आ गया एक्स की पावर 6, ये 8 है, 10^8 ओवर 10^2। पावर्स बेस सेम है, पावर्स डिवाइड हो, मतलब आपस में डिवाइड हो रहे, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे, तो पावर्स माइनस हो जाएगी। 10^8 - 2 कितना आ जाएगा, 10^6, तो x^6 इज इक्वल टू 10^6। यहां तक हम पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, दोनों की पावर सेम है तो बेस भी तो सेम होगा, तभी तो इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो x किसके इक्वल आ गया, 10 के, तो x 10 के आ गया, दैट मीन्स p किसके साथ मिलेगा, थर्ड के साथ मैच हो जाएगा वो, और p थर्ड के साथ मैच हो रहा है, तो हमारा क्या ऑप्शन बन रहा है, एक b बन रहा है और एक d बन रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, q वो ऑप्शन दिया है, कहता है जब p q r है वो जीरो हो, तो उसके बाद फाइंड क्या करना है, x पावर p पावर r की पावर 2q ओवर x की पावर p q r इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा कहता है ये चीज। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, उसमें क्या है, x p q r पावर p q r किसके दिए, जीरो के, तो x के नीचे यहां पे तो जीरो आ जाएगा, तो ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, p q r साथ में 2 आ जाएगा, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा, x^0 ही, ये भी x^0 समथिंग रेस टू पावर क्या होता है, 1, तो इसका q का आंसर क्या आया, 1, दैट मींस 4, तो q किसके साथ मैच हो जाएगा, 4 के साथ, राइट। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पी क्यू आर उसने जीरो दिया था, मैंने वैल्यू पुट करवा दी, पी क्यू आर जीरो दिया था, यहां पे भी वैल्यू पुट करवा दी, समथिंग पावर 0 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, वो 4 के साथ मैच हो रहा है, तो क्यू 4 के साथ बी में तो हो नहीं रहा, डी में हो रहा है, दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। लेकिन मैं आपको बाकी ऑप्शन भी, अगला हमारा ऑप्शन है आर, जिसमें उसने दिया है 2 × 2n+3 ओवर 2n+4 - 2^3 एंड 2^n+2^2, राइट, यही दिया हुआ है हमें सब कुछ,
तो हमने क्या करना है इसमें, 2^1 है ये, 2^n है। जब पावर्स प्लस होती हैं तो जो क्या कहते हैं नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते एक दूसरे के साथ, ऐसे ही होता है ना। इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यही बनेगा ना ये। मैंने इसको अलग कर लिया बस, इसमें भी मैं यही सेम चीज करूंगा, इनमें मैं अलग अलग करूंगा सबको, क्योंकि वैसे सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो आपका दो ऑप्शन में ही वैसे सॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं थर्ड आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, बाय चांस आप पढ़े जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2n में को नहीं चाहिए, क्योंकि 2n मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा कभी भी, किसी के इक्वल दिया हो तो मैं 2n सॉल्व कर सकता था, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को 2n खत्म करना है। मैं क्या करूंगा, 2n इधर से, 2n इधर से कॉमन ले लूंगा, 2n 1+3 कितना हो गया 4, 2n इधर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4-3, ये 2n से 2n कट गया, ठीक है। बस अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 2^4, ये 2^4 कितना होता है, 2, 4, 8, 16 over 16 - 8+4, और ये आ जाएगा मेरा 16/8+4, ये आ गया 6, तो ये मेरा आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। तो R का क्या आया फर्स्ट, ऑप्शन तो हमें पता ही है ऑलरेडी कौन सा आया हमारा, ठीक है। अब हमारा बचता है इधर लास्ट क्वेश्चन जो है S, क्योंकि हमने सभी सॉल्व करने हैं तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है हमें, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, -10, -12, -20, राइट। -2, 20 ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा -14, ठीक है। अब हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये देखो ये पावर्स आप, एक मिनट, ये देखो ये 7 और ये 7 डिवाइड हो रहे हैं आपस में और इनकी पावर्स क्या आ जाएंगी, माइनस। तो हमने सिर्फ एक एक करके माइनस कर देना है, 10 ये 3^-12, ऐसे ही 5^-12, -14, 2 की पावर तो ऐसे रहेगी क्योंकि 2 का है ही नहीं कोई भी ऊपर, और 7-20, -20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं हम बस, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चलो यहां पे लिख लेते हैं पहले हम, 3^-10+12, 5 का ये देखो -12, -+, -, तो -12+14, और 7 का ऐसे ही आ जाएगा -20+20/2^-2, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3^2, 5^2 एंड 7^0, तो ये तो हो जाएगा 1 नहीं, तो 2^-2, ठीक है। अब ये 3^3 और 3^2 कितना होता है 9, 5^2 होता है 25, ये माइनस में है, माइनस में मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था, जो पहली वीडियो में उसमें समझाया हुआ है कि ये ऊपर चला जाएगा
तो ये आ जाएगा 2^2 जो कि होता है इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा 4 ही लिखने लगा हूँ। ओके, तो 25 4 100, 109 900। तो ये हमारा ऑप्शन है सेकंड के साथ मिल गया, तो हमारा आंसर आ गए सारे के सारे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो लास्ट मतलब 48 सॉरी क्वेश्चन है वो है ये फिगर दी हुई है। ठीक है, कहता है ए बी पैरलर सी जी पैरलर ई एफ, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरलर है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम जब पैरलर लाइनें दे दी, ये और ये लाइन पैरलर है, ये उसकी ट्रांसवर्सल होगी और ये एंगल क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, दैट मीन हमारा एक्स किसके इक्वल आ गया 80 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जिसको ये रूल्स नहीं पता है प्लीज जाके पिछली वीडियोस देखिए, उसमें समझाया गया सारे के सारे रूल्स लाइंस एंड एंगल्स में, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में, सब में ये एंगल्स डिटेल में दिए कि कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा, सब कुछ दिया हुआ उसमें। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा 80 आ गया अब, और ये क्या कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, ये आपस में ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं हो गए ये वाले। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री, है ना, एक्स 80 है तो ये भी 80 आएगा। अब ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल नहीं बन रही है ये, तो 80 + 40 कितना होता है 120, 120 - 180 कितना आ जाता है 60, तो हमारा वाई कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा वाई कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमारा क्या बचा है, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, और क्या बचा है हमारा, जेड बचा है, जेड जो कि है यहां पे जाके। ठीक है, तो जेड निकालने के लिए ये देखो, ये दोनों लाइन पैरलर है आपस में, ये इनकी ट्रांसवर्सल जा रही है, ये और ये एंगल पूरा क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा, दैट मीन जेड प्लस 20 किसके इक्वल आ गया 80 डिग्री के, तो जेड किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, तो जेड भी हमारा 60 आ गया, वाई भी आ गया। ठीक है, अब कहता है फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर फाइंड करो, फर्स्ट उसने दिया हुआ है 2z - x और सेकंड दिया हुआ है x + 2y, 260 - 80 और इधर दिया हुआ है x कितना है 80 + 2 × 60, और ये एंगल हम फाइंड कर देते हैं, 120 - 80 आ गया हमारा 40 डिग्री और 80 + 120 आ गया 200 डिग्री, तो ये हमारा ऑप्शन है 40 एंड वो डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जिसको तो ये फॉर्मूले पता है, जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई हुई है, तो उससे तो जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही ये चीजें, पुरानी वीडियो देखो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी एक बार। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49th। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए हॉल इज 36 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी दे दी 36 मीटर, ब्रेड से दे दी 24 मीटर। ठीक है, इफ द अलोइंग एरिया ऑफ 40 m² फॉर डोर्स एंड विंडोज, डोर्स और विंडोज के लिए एरिया कितना दिया जा रहा है 40 m². ठीक है, पूरे हॉल में से, और कहता है कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स एक्सेप्ट जो एरिया ये दिया है इसके ऊपर नहीं होगा, दूसरा वाला जो वॉल्स का एरिया है सिर्फ, इसमें विंडोज और डोर्स नहीं आएंगे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग इज 8.40 पर स्क्वायर मीटर, इज कॉस्ट दे दी उसने 4740 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की भी दे दी, 1 square meter की भी दे दी और टोटल भी दे दी कितनी है। ठीक है, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, जब हमारे पास एरिया होता था एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी, अब इसको अगर हम डिवाइड करवा दें इसके साथ तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ही आ जाएगी, अब तो हम डिवाइड करवा देते हैं उसमें क्या 4704/8 40, मैंने बोला ना लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, इसके नीचे 10 आएगा ना, इसके नीचे 10 आएगा तो ये 10 कहां चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसको कटिंग वगैरह करके करते हैं, चलो कटिंग इसकी भी 2 पे करते हैं अभी हम 5 फिर से 2 पे और ये आ जाएगा 2 3 5 2
21 एंड देन आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 10. 560 मीटर स्क्वायर जो हमारा हॉल के दीवारों का एरिया, सिर्फ दीवारों का एरिया है, जो वॉल्स का एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये सिर्फ वॉल्स का एरिया है. इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है, 560 प्लस 40 कितना आ गया, 600. ये अब टोटल एरिया है हमारे हॉल का, ठीक है. अब आगे चलते हैं. कहता द हाइट ऑफ हॉल इज 5 मीटर, कहता तो उसकी जो हाइट होगी वो 4 मीटर है. अब हाइट के लिए ये वाला कंसेप्ट मे भी आपके लिए न्यू हो, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. एरिया जब निकालना है ना, जब हाइट भी आए उसमें, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालते हैं ना हम विद हाइट, तो वो होता है 2l into b प्लस 2lb into h, ठीक है. l into h and b into h होता है शायद, हाँ ठीक है. तो ये हमारा आ गया 600 के इक्वल, क्योंकि एरिया फोर वॉल्स हम टोटल निकाल चुके हैं 600, राइट. तो L हमारे पास है, L कितनी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 36 into h प्लस 2 into वो कितनी थी ब्रेड, 24 into h, राइट, इक्वल टू किसके आ गया, 600 के, ठीक है. एक ठीक है, तो 36 into 2 कितना होता है, 72 h, 24 into 2 होता है 48 h, इज इक्वल टू 600, ठीक है. 8 plus 2 10, 7 plus 4 11 plus 1 12, ठीक है. तो ये हमारा आ गया टोटल 120 h इज इक्वल टू 600. तो h किसके इक्वल आ गया, 600 over 120, 0 से 0, 12 5 are 60, तो h किसके इक्वल आ गया, 5 मीटर के. और h उसने कितना दिया था, 5 मीटर हाइट उसने, इट हैपेंस सम टाइम गिर जाता है ये. अच्छा, तो h हमारा 5 मीटर आ गया. 10 मिनट जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था वो क्या है, ट्रू. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू आ गई, किसकी, 49th क्वेश्चन की. तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं इसकी. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, कहता इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर एक ही चीज होती है. तो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr प्लस, स्टेटमेंट 2 है ये, नहीं डिफरेंस का है ना, तो माइनस जो उसका डायामीटर होता है वो होता है r/2, रेडियस का हाफ होता है ना, सॉरी रेडियस का डबल होता है, तो 2r आएगा यहाँ पे. तो कहता द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस किसके इक्वल कह रहा है वो, 30.93, ठीक है. अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के हम इसमें डाल देंगे, ठीक है. आप चाहो तो इसको फाइंड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, हम दोनों तरीकों से करके देख सकते हैं. चलो हम इसी से करते हैं. तो 2r हमने कॉमन ले लिया, पाई माइनस के आ गया अंदर 1, इस 2r की जगह 1 ही बचेगा अंदर, क्योंकि 2π 2r तो हम कॉमन निकाल चुके हैं. ये कितना आ गया, 154. 2 यहां पे आ गया 22/7 माइनस 1 154, 7 22 minus 7 over 7, तो ये हमारा आ जाएगा 15/7 into 2r. r किसके इक्वल आ जाएगा, 154 into 7 over 15 into 2, ठीक है. तो ये तो इसको काट देगा 7 7 पे, तो r किसके इक्वल आ गया, 49 plus 4 53, और ये आ गया 15. अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो देखते हैं कितना आता है. थ्री पे, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारा 8 75, तो ये तो आ रहा है हमारा 35 point something. ये देखो
आर हमारा किधर जा रहा है, 35 की तरफ, उसने तो बोला था 30 पॉइंट, तो वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दैट मीन्स जो उसने स्टेटमेंट टू दी है वो क्या दी है, फॉल्स दी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, सी, क्योंकि जिसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने आपको शायद बोला, आपको सर्कमफ्रेंस का कभी फॉर्मूला नहीं करवाया, लेकिन एरिया का करवाया था। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का आप करवा दिया, सर्कमफ्रेंस लिखा हो, पेरीमीटर लिखा हो 2πr। ठीक है, और डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके ये लास्ट ईयर के पेपर के लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन, ये देखो। ओके, लाइट पड़ रही है, हाँ तो अब सही है। ये देखो, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका इसलिए आपको डाटा एंट्री का ज्यादा करवाया नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, वैसे तो क्वेश्चन तो 5 नंबर्स का आ रहा है, मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स या जो भी ये बड़ा वाला लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन 2005 एंड 2008। तो मोबाइल फोन्स के लिए क्या है, जो कलर्ड वाली है फिगर, और जो कार्स हैं वो क्या है, बिना कलर के। तो 2006 और 2008 में अगर हम देखें ध्यान से, तो जो मोबाइल फोन्स है वो कलर वाले 40 हैं, और 40 ही उसमें है 2008 में। तो 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80। अब हमने इनकी जो क्या कहते हैं, रेशियो फाइंड करनी है विद टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2005 एंड 2007। 2005 में जो कार्स थी वो थी 80, और 2007 में जो थी वो थी 50। तो टोटल कितना हो गया, 130। ये 0 से 0 कट गई, 8:13 आ गया। तो 8:13 वाले हमारे पास ऑप्शन है दो, दैट मीन्स या तो हमारा ए होगा या हमारा होगा सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम 2005 टू 2008, 2005 से लेकर 2008 तक एवरेज नंबर ऑफ कार्स। एवरेज के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्स ओवर नंबर ऑफ मतलब ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्स हम फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्स है 80, 70, ये हो गया 150 प्लस 50 200 प्लस 90 290। तो 290 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा 7। ठीक है, 7 के बाद यहाँ पे कितना बच गया, 1, तो ये आ गया 2, और देन आ गया हमारा 5, उसके बाद आ गया 0, 0। अब आप कहोगे ये 0, 0 हम कहाँ से लाए, जादू से लेके आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो डाटा में क्या दिया हुआ है, जो कार्स का नंबर दिया है वो कितने में दिया, इन थाउजेंड्स। That means, जो 80 लिखा था वो कितना था, 80,000। ठीक है, तो अगर ये 2290 है, 290,000 है, that means इसके पीछे 3 जीरो भी लगानी थी हमने, पर हमने इसलिए नहीं लगाई ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन ये कट नहीं रहा था इसलिए मेरे को लगानी पड़ी। तो 4 1 4, अब इसको करो तो ये आपका यही आएगा, ये 100% है। ठीक है, तो थाउजेंड्स में मैंने रेशियो में इसलिए नहीं यूज करा क्योंकि जीरो के साथ जीरो कट जानी थी, यहां पे भी मैंने ये नहीं यूज करना था, लेकिन यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ा क्योंकि मेरा ऐसे आंसर नहीं आना था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 72500, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा ए ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन का राइट हो गया। ठीक है, तो मैं भी आगे एक आधी और वीडियो बनाऊ रीजनिंग पे, सिर्फ रीजनिंग वाला, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर रह गया। डाटा हैंडलिंग तो नहीं बनाऊंगा अभी मैं कोई वीडियो इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद शायद ही कोई वीडियो बनाऊ, मे भी लॉजिकल रीजनिंग में बना दूंगा एक आधी वीडियो, या बाकी कोई बोल देगा अगर कि डाटा हैंडलिंग पे भी बनाओ या कोई और वीडियो पे भी बनाओ, और कोई चैप्टर जो बचे हुए हैं उन पे भी बना दो, तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज तो यहाँ पे आपका ओलंपियाड का तो खत्म हो गया, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक वैसे भी एग्जाम है शायद नेक्स्ट संडे, तो आगे कोई वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे 8th क्लास में। ठीक है, 8th क्लास में भी ओलंपियाड की वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
इस साल मिले तो नेक्स्ट ईयर भी जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर में और भी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले मैं 8th ओलंपियाड की ही बनाऊंगा, उसके बाद मैं 9th 10th 7th जो भी बाकी क्लासेस होगी, लेकिन सबसे पहले 8th की बनाऊंगा, क्योंकि इस साल 7th की बनाई है, अगले साल आप 8th में चले जाओगे तो आपके लिए अगले साल भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर, और मे बी अगर आप बोलोगे तो मैं लॉजिकल रीजनिंग में बना दूंगा, अदरवाइज मैं वीडियोस बनानी अब बंद कर दूंगा और 10th क्लास की बनानी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगर किसी ने बोला वीडियो बनाने के लिए, शायद लॉजिकल रीजनिंग की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।